नहीं वैसे बुलाने के लिए हम ट्वेल्थ फेल वालों को भी बुला लें, जब पहले से ये पांचवी फेल इतने हमारे पास मौजूद हैं तो ट्वेल्थ फेल को क्यों तकलीफ देनी, है कि नहीं? वैसे यार बुलाने के लिए हम सानी बाजी को भी बुला लें। नहीं बुला तो सकते हैं लेकिन यार यहाँ पर उखाड़ने के लिए उनके पास हैंडपम्प भी नहीं है, फिर यहाँ आके वो क्या ही उखाड़ लेंगे। नहीं लेकिन सच बताएं तो ये जो पारिक परिवार है ना, ये आपका दिमाग जरूर उखाड़ लेगा थोड़ी देर में, ऐसा होगा। खैर बड़ी खुशी हो रही है यार, वैसे आप लोगों ने टीजर देखा फिल्म का, मजा आया? हम दिखाई दिए नहीं? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज जो ट्रेलर आप देखेंगे उसमें आपको भी हम नहीं दिखाई देंगे। आई एम नॉट देयर ब्रो, आई एम नॉट देयर, या इट इज राइट, बट यू नो आई गिव यू एन एक्सरसाइज टू डू। आज जब आप ट्रेलर देखेंगे ना तो जरा गौर से देखिए और ढूंढिए उस ट्रेलर के किसी कोने में आप मुझे पाएंगे, मैं हूं, बट इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू। ठीक है, ढूंढो, मेहनत करो और जिसको मैं मिल गया उस ट्रेलर में, हाँ लेकिन आप पारिक परिवार से हेल्प नहीं ले सकते, जिसने उस ट्रेलर में मुझे ढूंढ लिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको प्राइज में मिलेगा पारिकों की गाड़ी और उसको धक्का मारने के लिए एक फ्री बाबूजी। दैट्स माय ऑफर, टेक इट ऑर लीव इट। यार आ जाओ यार, हम कब तक बातें करते रहेंगे? कहां है भाई हिमांशु, परमिंदर, कोई तो आ जाओ। किकुड़ा आ गए आप? हाँ मेरे साथ वो 65 परमिंदर भी आए हैं। 65? हाँ, और क्या है ना 101 आने वाले थे पर वो 36 वो पंजाब गए ना, परमिंदर की शादी परमिंदर से हुई थी ना, तो उनको एक बेटी हुई थी परमिंदर, तो इस बार परमिंदर वापस वो प्रेग्नेंट है, उसको एक और परमिंदर आने वाली है, तो वो 36 वहाँ गए हैं। भाई मैं आपकी बीवी परमिंदर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बोलना कि डी फॉर परमिंदर, पी फॉर परमिंदर। किकुड़ा लेकिन मैं तो उसको डार्लिंग परमिंदर करके बुलाता हूँ ना, तो वही ना डी फॉर परमिंदर। ठीक है भाई यही सही, कहाँ है कहाँ लेकिन परमिंदर? डार्लिंग परमिंदर आ गई। Oh, fuck. सॉरी सॉरी सर किकू जी, मैं थोड़ी लेट हो गई, वो मैं आयरन लेने गई थी। आयरन क्यों? वो मेरी ना ब्लड रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर ने बोला आयरन की कमी है, तो मैं आयरन लेने गई थी। तो एक ही ले आती, इतना आयरन क्यों? अरे तो रोज आयरन लेना है ना। अरे भाई तभी तो कमी पूरी होगी ना। अरे यार मतलब इनके हाथ में ये प्रेस देख के, इससे पहले कि ये प्रेस भड़क जाए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई ट्रेलर दिखा दो यार। जय श्री आओ आओ आओ। अरे प्रफुल्ल मेरी स्पीच लाया हूँ, देखिए ला 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 दीजिए दीजिए। अरे कितने छोटे अक्षरों में लिखा है प्रफुल्ल बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस की जरूरत हो तो उसका बंदोबस्त करना है। हाँ तो ग्लासेस का बंदोबस्त किया है मैंने। कहाँ? हिमांशु दीदा जी। ये दो दो ग्लास, इसमें छाछ, केरोसिन, पेट्रोल, हेयर ऑयल कुछ भी पी सकते हैं। प्रफुल्ल गधे, मैंने तुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस लाने को कहा था, ग्लासेस ग्लासेस, चश्मे चश्मे। बस 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 बाबूजी, आप चश्मे चश्मे ऐसा तो बोले ही नहीं थे, और आपने यूं 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 तो किया ही नहीं था। अरे पर इतना तो सोच बेटे कि इन ग्लासेस का पढ़ने से क्या लेना देना। क्यों इसमें पढ़ सकते हैं, देखो ब्रेकेबल ग्लासेस मेड इन सीरिया, ISIS मास वाला। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, ए टिको ए छोड़ ये सब, तू यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर को बुला। बोल आज बाबूजी। अरे जो हो क्या करे,
पायलट असिस्टेंट हाय हाय असिस्टेंट मैनेजर मतलब लो मैं हूं ना मैं सुन जाता हूं साहब प्रभु मदद कीजिए ना मुझे ओ बड़ी बहन मैं हूं ना किसी को पता नहीं चलेगा मैं थक गया भाई साहब असिस्टेंट साहब अरे वो रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म के लिए वो परमिंदर भैया ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि इस बार की रोहित शेट्टी की फिल्म में 80 स्टंट होंगे कम से कम 80 स्टंट होंगे 80 स्टंट बड़ी बहन आपको तो वो इनाम देना चाहिए बिना घटी वाला बिना घंटी वाला कौन सा नोबेल प्राइज कह रहे हैं बिना घंटी ये छोड़ सब ये छोड़ 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 सब क्या पकड़ा ये तो बताइए अरे जय श्री बहन ये देखो ना बाबूजी किकुला पे भी गुस्से होने लगे हिमांशु बाबूजी को डाल मीडिया पे बोले बोले अरे क्या डाल मीडिया पे अरे जयश्री ट्रेलर दिखाओ ट्रेलर हाँ एक मिनट दिखा रही हूँ भगवान हेलो बा जय श्री खबर में तो हम लोग खिचड़ी 2 का ट्रेलर दिखाने वाले मीडिया वाले तो मीडिया मीडिया वाले तो मीडिया अंसा बाबी मीडिया अरे ये मीडिया हमारे मेहमान जो खाना खाके जाना ये लोग हमारा ट्रेलर देख के हमसे बातचीत करके जोखम उठाने वाले जोखम जोखम क्यों उठाने वाले किकू देखना कम से कम एक पत्रकार तो प्रफुल भैया के साथ बातचीत करके अपना कैमरा तोड़ने वाला है और इसे फटाक करके और इससे बाबूजी को बहुत तकलीफ होने वाली है मुझे क्यों तकलीफ होने लगी बाबूजी जब वो पत्रकार वो अपना कैमरा ऐसे आपके सर पे फोड़ेगा अरे पटाक करके तो आपको तकलीफ नहीं होगी इतनी बार टूटा है अरे छोड़ो छोड़ो यार ये सर पे क्यों फोड़ेंगे ये सर तो क्या ठीक है आप जाओ आइए बाबूजी को भी लेकर जाओ इनका चलता रहेगा मैं इनको साइड पे लेके जाता हूँ आप ट्रेलर दिखा लीजिए ना ना रुके रुके हमारा झगड़ा बाकी अभी तक निकलो निकलो साइड पे यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा बगल में लेकिन चलो चलो एक तरफ चलो ट्रेलर 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 देखते हैं शुरू करो या सो क्वेश्चंस एनी क्वेश्चंस फॉर एनीबॉडी हेलो प्लीज हाँ माइक दीजिए उनको ओके तब तक मैं सवाल पूछ लूं हाँ उनके पास माइक है तो पहले पूछता फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल से पहले तो ये बोलना है कि आपने तो हूटिंग और चीयरिंग देखी होगी बिकॉज आई थिंक यू हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल आवर चाइल्डहुड थैंक यू बिकॉज आपके शोज आज भी इफ आई एम अपसेट आई वुड जस्ट वॉच इट एंड आई वुड फील इंस्टेंटली हैप्पी एंड इट इज एन इमोशन खिचड़ी सारा भाई दीज आर ऑल इमोशंस फॉर पीपल लाइक अस एंड आई एम प्रीटी श्योर फॉर मोस्ट ऑफ अस हियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सवाल ये है कि इतने साल क्यों लग गए टू कम अप विद अ खिचड़ी 2 बिकॉज वी बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग एंड जयश्री भाभी से सवाल है कि नया गॉसिप क्या सुना है आपका जो पहला सवाल है ना फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ आए और इन्होंने जो बात कही हमको बहुत हमारे प्रेक्षक दर्शक हमारे से मिलते हैं ऑडियंस जो कहते हैं कि ये बचपन वाली जो बात है और हम आपके सिर्फ आपसे नहीं आपकी 3 जनरेशन से जुड़े हुए हैं आपके परिवार से जुड़े हुए हैं और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है सुनने को और इसलिए हम जो काम करते हैं वो हमको उस तरह का करना होता है कि जो ये गुडविल है उसको बरकरार रखें तो आपका दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि इतने साल क्यों लगाए हमने कम से कम 3 बार ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जो बन चुकी थी पर हमको ऐसा लगता था कि ये जो खिचड़ी 1 थी उसके ऊपर नहीं जा रही अच्छी थी वो सारी अच्छी थी पर इसके ऊपर उस लेवल की नहीं जा रही है कि जो इतने साल हुए तो अब जा खिचड़ी थिएटर में देखे तो वो आपको उतना आनंद उतना मनोरंजन जो आपने शायद आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी उनको भी बताया होगा खिचड़ी के बारे में आपके किसी दोस्त ने नहीं देखा होगा उनको भी आपने कहा होगा कि खिचड़ी क्या यार वो भी उससे जुड़ा होगा तो ये सारी बातों को हम आपको उस के साथ जोड़ पाए उसको दुगना कर सके आपके आनंद को वैसी स्क्रिप्ट जब तक हमको नहीं मिली
हमने उसका इंतज़ार किया और अब हमको लगा कि ये खिचड़ी जो है वो पहली से भी कहीं आगे आपका मनोरंजन करेगी। और एक कहानी मिली, जो कहानी एक सिनेमा एक फिल्म के लिए होती है वो मिली। और आज जब आप देखते हो पर्दों पर बड़ी बड़ी पिक्चरों का माहौल है, तो बड़ी बड़ी पिक्चरों का जो अनुभव, पीपल कम टू सिनेमा हॉल्स फॉर एक्सपीरियंस, वो जब हम आपको एक्सपीरियंस दे पाए, वैसा जब एक साथ सब कुछ इकट्ठा होकर खिचड़ी बनी, तो वो खिचड़ी हम आपके पास ले आए। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर एक कोई भी एक कृति होती है उसका एक वक्त होता है, तो खिचड़ी 2 का ये वक्त बहुत ही, मैं समझता हूँ, प्री डिस्टाइंड था। कहानी तो बनी, सब कुछ बना, सब कुछ आ भी गए, और एक जो इन्होंने कहा उसको मैं सराहते हुए ये कहूँगा कि हाँ, पहली खिचड़ी से एक बड़ी खिचड़ी बनाने का जो प्लान था, वो सब जो अपने आप जाकर के जो इकट्ठा हुआ, तब जाकर के हमारी ये बिलीफ हुई, हमारा कॉन्फिडेंस हुआ कि हम दिवाली पे लेकर आ सकते हैं। तो अगर दिवाली पे अगर हमको लेके आना है, जो कि हमारा प्री ऑर्डेंड एक सोच थी, एक थॉट था कि क्यों भाई, क्यों सिर्फ बड़ी फिल्में ही आए, एक मीडियम लेवल की फिल्म भी आ सकती है, लेकिन उसको उतना दर्जा तो देना पड़ेगा ना कि भाई ऑडियंस दिवाली में आकर के बोले कि यार फैमिली के साथ बड़ा मज़ा आया। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जाकर के इस वाली खिचड़ी में इतने प्रॉपर बैठ गए कि 17 नवंबर को जब खिचड़ी 2 आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, परिवार के साथ धमाल मचाने के लिए, दिवाली को जो है और भी खुशहाल बनाने के लिए, ये एक बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत जरिया है। बाकी तो जरिए होंगे ही, लेकिन हम भी उस जरिए के लिए कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ही प्रेरित है कि ये दिवाली जो है सबकी बहुत ही, ये इस वाली खिचड़ी से बहुत शानदार बनेगी। और उस दिवाली का और इस खिचड़ी का 17 नवंबर 2023 में ही आना था, इसलिए जो है इतना शायद टाइम लग गया। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोगों ने बहुत वेट खुद भी किया, हम खुद भी करना चाह रहे थे खिचड़ी 2 हमेशा से, और क्योंकि हमारे पास अब एक मौका मिला तो हमने इसको छोड़ा नहीं, और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग वाकई हंसें और खुश रहें, क्योंकि माहौल बाहर आप जानते ही हैं कितना बुरा है। तो हम सिर्फ आपके लिए हंसी लाते हैं और हम सिर्फ हंसी लाएंगे। मेरा सवाल सभी कलाकारों से है। एक मिनट, अभी एक गॉसिप हुई। मेरी बा के साथ मैं फोन पे बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला, हेलो बा, जय श्री, खबर में तो खिचड़ी आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और 17 नवंबर को खिचड़ी रिलीज हो रही है थिएटर में, तो तू पिक्चर देखने जाना, बाहर खड़ी रह के वो ब्लैक में टिकट ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश मत करना। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, पर अभी आदत है तो क्या करूँ। फिर पकड़ी गई तो मैंने बोला, बाजू में बाबूजी खड़े होंगे, उनके हाथ में थमा देना, भले पुलिस लेके जाए उनको, उनको तो आदत है जेल में चक्की पीसने की। तो अब बा के साथ ऐसी ही गॉसिप होती रहती है, और एक्चुअली देखा जाए तो सॉरी हंसा भाभी, एक्चुअली मैं यहाँ हंसा हूँ नहीं, प्लीज। बा के साथ इतनी बार हिल चुकी हूँ, बा के साथ ही होती रहती है। No, this is not a question, but I just want to end by saying that आज के ज़माने में ना टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी बहुत है, सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, और इट अफेक्ट्स अस अ लॉट इन Exactly why I think this is the right time for Khichdi to come. क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? अरे please. सर, सभी आर्टिस्टों से मेरा सवाल है, खिचड़ी की शुरुआत छोटे पर्दे से हुई, आज बहुत बड़े विशाल पर्दे पे हमको देखने को मिल रही है। खिचड़ी 1 को भी हमने एंजॉय किया, खिचड़ी 2 को भी शायद इससे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये जो जर्नी है रही आप सभी की, किस तरह से रही ये खिचड़ी, आप खिचड़ी ना लगते हुए पूरी बिरयानी लग रही है, आप लोगों की क्या राय है? वेजिटेरियन बिरयानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी बहुत लंबी थी सबकी साथ में, और बहुत ही मज़ेदार थी। शायद जो आप लोग पर्दे पे देख रहे हो उससे पर्दे के पीछे हम लोग ज़्यादा मज़े करते हैं और ज़्यादा हंसते हैं, और इसीलिए हम मेरे लिए तो पर्सनली मेरे लिए हंसा एक मेडिसिन है। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा लाइफ इज़ नॉट ट्रीटिंग मी वेल, All I have to do is आतिश चल ना खिचड़ी करते हैं, and I can rejuvenate myself with हंसा, and that is
the best thing. I think all of us feel like that. Yes, of course. Yeah. Every time we come on a set of Khichdi, we are happy. We are, all the worries are behind us. And that's our wonderful journey. And it's been a long, lovely journey. We are still extremely happy with each other. और हम लोग इतने खुश एक दूसरे के साथ इतने लंबे अरसे तक रह पाए हैं, वही एक कमाल की बात है. बिल्कुल. और हम सब बाकी बहुत खुश रहते हैं. एब्सोल्युटली. बहुत मज़ेदार जर्नी रही है थ्रू आउट हमारी, क्योंकि टेलीविजन सीरियल से लेकर अभी खिचड़ी 2, जो एक मज़ेदार जर्नी है. सुप्रिया जस्ट नाउ सेड, हम लोग बैक स्टेज वाइल्ड शूटिंग बहुत मज़ा करते हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और लाफ्टर ही लाफ्टर है. इस सेलिब्रेशन मूड में भी हम वही सेलिब्रेट करना चाहता है. वी वॉन्ट टू गिफ्ट अ लाफ्टर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल टू द ऑडियंस. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपने कही, उसमें से मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ये कोई अभिमान, या ये अभिमान तो नहीं लेकिन गर्व के साथ तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, अभी तक तो नहीं थी. मतलब वी आर द फर्स्ट फ्रेंचाइज जिसके पात्र समय के साथ साथ जो है पात्र भी बढ़ते गए, ग्रो होते गए और टेलीविजन एक अलग दिशा में जाने लगा. तो हमने हमारी एक नई दिशा कायम की. JDR में अक्सर बैठते हैं तो हम लोग एक दूसरे को हम लोग मुस्कुरा के बोलते हैं, हमको पता भी नहीं था कि ये किरदार हमने क्रिएट करके जो है ऑडियंस के लिए पेश किए हैं. तो वो ऑडियंस भी अगर आप देखें तो हमारा, हमारी जो जर्नी है, पहले जो लोग टेलीविजन देखते थे, आज मेरा ये मानना है कि आज वो लोग टेलीविजन से हट गए हैं, वो लोग अलग माध्यम में चले गए हैं और उनके उस माध्यम में जैसे कि सिनेमा है उसमें उन्होंने ही हमें इनविटेशन दिया है. मतलब डेस्टिनी ने ही हमको बोला कि भाई अभी आपकी जो पहले ऑडियंस, हम लोग तो कितने साल से है, 21 साल से है खिचड़ी ब्रांड. ये इकलौता ब्रांड है वो भी कॉमेडी का, जिसके पात्र आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और बरकरार है उनकी यादों के साथ. मतलब तो मैंने तो अभी भी लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे कि मतलब मैंने तो छोटा पात्र खुद के उसमें किया था बिकॉज बहुत बोर हो जाता हूँ, लेकिन आज भी मुझे बोलते हैं कि जिग्नेश भाई आपने, मुझे लगता है कि आपको भी हिस्सा लेना चाहिए था. मैंने कहा इतने दिग्गज कैरेक्टर्स हो तो उसमें फिर मुझे क्यों अपने आप को जो है टॉर्चर करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे बहुत कंटाल आता है. बट जोक्स अपार्ट, ये ऑडियंस जो है वो ग्रो होकर के एक अलग माध्यम पे चली गई तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस माध्यम में जाके उनका मनोरंजन बरकरार रखें. और हुआ और ये होता रहेगा ऐसा हमारा मानना है, बिकॉज ये इकलौती फ्रेंचाइज है जो 21 साल से जो है इतनी स्ट्रांग आगे बढ़ रही है. अब सिनेमा पे आ गई है तो खिचड़ी 3 भी आएगी, इतनी हमें उम्मीद है, इतनी क्योंकि गुंजाइश तो है ही, लेकिन हमें इतनी उम्मीद है. और ये अब हमारे उन ऑडियंसिस की जिम्मेदारी है कि वो हमें सराहें और 17 नवंबर को जो है वो सब खिचड़ी 2 जो है सिनेमा में जा करके देखें, ताकि हमको और एक हमारा हौसला बुलंद हो कि नहीं एक थर्ड की भी अब जो है ज़रूरत है. तो ये जर्नी तो चलती रहेगी जैसे आपने कहा, शायद इससे भी बड़ी एक खिचड़ी हम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल खिचड़ी 2 पे रहते हैं. और आपके सवाल, अपना सवाल बहुत अच्छा था कि इतने सालों की जर्नी कह रही, जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आपने ये बातें हम करेंगे तो ज़रूरी कि आप मान लेंगे. ब्यूटी है कि आप लोग भी यही बातें करते हैं कि आप लोगों ने, आपकी 3-3 जनरेशन ने ये एंजॉय किया. हमारा सबसे बड़ा अच्छा काम अगर खिचड़ी के बारे में हमने आज तक किया तो वो ये था कि हमने राइट टाइम पे उतनी ही मात्रा में, कॉमेडी की एक मात्रा होती, किसी भी एक क्रिएटिविटी को उतने ही मात्रा में आपको वहाँ रोक देना पड़ता है. जब हमने पहली खिचड़ी करी तो हमने ही बंद करी थी, हमको किसी, क्यों, हमको लगा कि अब ऑडियंसेस को इससे ज़्यादा नहीं, अब कुछ नया करते. सीजन का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाने वाला अगर टीवी पे कोई था तो ये खिचड़ी शो था. तो हमने वो बंद करी, फिर दूसरी सीजन में आए तब सीजन का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू भी नहीं. फिर हमको लगा कि हाँ अब टीवी से इसका दर्शक और बढ़ रहा है, तो हमने मूवी करी, वो बहुत अच्छी गई. फिर हमको, हम मूवी की स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, पर वो मूवी की स्क्रिप्ट राइट, जैसे मैंने कहा क्या होता है ना, आपको बहुत ये जो रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है ना उसको समझ के रेसिप्रोकेट करना पड़ता है. अब लालच में कुछ नहीं कर सकते हो और ऊपर वाला करने भी नहीं देता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप खिचड़ी के मेकर्स हो, आपका प्यार हमसे वो बनवाता है. तो जब हमने मूवी कर ली, हमको स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिली, नहीं थी, 2-3 स्क्रिप्ट बनाई, तो वेब सीरीज़ का ज़माना आया तो हमने एक वेब सीरीज़ बनाई, क्योंकि हमको उसके लायक एक सब्जेक्ट मिल गया और अब जाके ये मिला. तो ये जो जर्नी रही है, हम पात्र में शायद इतने ग्रो ना हुए, आज भी हल्लो आवार खाना खा के जाना चलता है,
पर हम एज मेकर इकट्ठा सारे लोग क्रिएटिवली इसमें इवॉल्व होते रहे कि उसी एज में रहकर हम आज भी किस तरह हमारे पात्रों को आपसे जोड़ सकते हैं, कहानी को जोड़ सकते हैं, और साथ में कितनी फ्रेशनेस आज के दिन में जो जरूरी हो वो ला सकते हैं। ये हमारी इतनी लंबी जर्नी रही है। आप वंदना जी, कीर्ति जी, राजीव भी बोलेंगे, वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो वो भी इसकी अपनी जर्नी के बारे में जरूर बोलना चाहे उनको। मैं एक बात जरूर कहूंगा, कॉमेडी की थी मैंने पहले, लेकिन स्टेज पे, बेसिकली मैं थिएटर एक्टर, सो लेकिन उसकी एक अलग जगह है, लेसर सेड द बेटर। तो टेलीविजन खिचड़ी वॉज माई टर्निंग पॉइंट। टेलीविजन आई स्टार्टेड विथ एक मेरा सपनों का, जो भी आतिश जी ने ही लिखा था स्क्रिप्ट, उसके बाद ये खिचड़ी वॉज ऑफर्ड टू मी एंड वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। एंड बिलीव यू मी, आई एम नॉट बींग मॉडेस्ट अबाउट इट, आई एक्चुअली ग्रू एज एन एक्टर एज फार एज कॉमेडी इज कंसर्न, क्योंकि यू नो टू क्रैक जोक्स एंड टू डू कॉमेडी ऑफ एटीट्यूड, उसमें फ़र्क है। तो ये जो मामला था एटीट्यूड वाली कॉमेडी, एंड एवरी मेजर कैरेक्टर इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वॉज द यू एस पी ऑफ खिचड़ी, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई वॉज पार्ट ऑफ इट। और आप ये देख, आपने मार्क किया, ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। यार देखिए, सारे लोग किरदार से बढ़ के अंग्रेजी में बोलने के, मैं हंसा जी की अंग्रेजी सुनी थी, आप थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा पूरे, मैं बोल रहा कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और ले सुप्रिया जी अंग्रेजी में, तो यहाँ बोलने नहीं मिलता है ना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी के दौरान एक जो सीखने को मिलता है एज एन एक्टर, क्या होता है कि टेलीविज़न में लास्ट मोमेंट पे स्क्रिप्ट होती है, थिएटर में तो हमें एक महीने का मिलता है प्रैक्टिस रिहर्सल करने का टाइम, लेकिन सीरियल्स में लास्ट मोमेंट पे लिखी जाती है, कई बार लास्ट मोमेंट पे मिलती है, सोलिलॉक्वीज होती है, तो वो थोड़ा याद करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस सीरियल से इतनी हमारी याददाश्त तेज़ हो गई है और इतना हमारा माइंड चलने लगा है, क्योंकि शुरू से लेके अभी फिल्म तक हमने किसी ने हाथ में स्क्रिप्ट नहीं ली, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। आतिश यूज़ टू नरेट द सीन, यूज़ टू से एवरीथिंग। पहले दिन जब सीरियल करते थे तो फर्स्ट डे जब हम मिलते थे तो पहले एक आध घंटे में तो इस महीने के 5 एपिसोड्स में क्या होने वाला है वो पूरा नरेट कर देते थे आतिश, और उसके बाद अभी का जो सीन है वो जयश्री ये बोलेगी, ये बोलेगी, ये ऐसे ऐसे, वी यूज टू जस्ट लिसन टू इट एंड हमको याद रह जाता था। और अभी फिल्म में भी हमने आज तक स्क्रिप्ट हाथ में नहीं ली, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अ सरप्राइजिंग थिंग कि आर्टिस्ट के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है, ना उन्होंने कभी स्क्रिप्ट पढ़ी है। तो ये बहुत गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं बहुत मैं आई एम ऑलमोस्ट हाइडिंग फ्रॉम यू नो सेइंग एनीथिंग हियर, बिकॉज खिचड़ी मेरी पहली फिल्म थी 2010 में, एंड बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी। मैं थिएटर करके निकली थी तो मैं हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेती थी, किरदारों को बहुत सीरियसली लेती थी, पूरे होमवर्क को बहुत सीरियसली लेती थी। बट आई रिमेंबर जब आतिश मैं एकदम थिएटर एक्टर से फ्रेश निकल यू नो थिएटर से फ्रेश निकल के मैं आतिश से मिली, एंड आई एम लाइक सर सो हाउ डू यू वांट मी टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल, ही इज़ लाइक जस्ट लीव योर ब्रेन्स एट होम, कम हियर एंड जस्ट हैव फन, एंड यू नो समथिंग अबाउट दैट जस्ट स्टक विद मी। सो वो 2010 की बात थी और ऑफ कोर्स मुझे आज तक याद है। बीच में मेरा जो काम आप लोगों ने देखा है, जिस तरह का मैंने काम किया है, तो मेरी एक ऐसी ब्रांड बन गई, इमेज बन गई, जहां लोगों को लगता है मैं बहुत सीरियस काम करती हूं, मैं बहुत सीरियस एक्टर हूं। तो काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कॉमेडी क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं करते, एंड फाइनली खिचड़ी हैपेंड, जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था सभी को। मैं पहले से ही खिचड़ी परिवार का हिस्सा नहीं थी, आई मीन दे हैव डन अ लॉट इवन बिफोर द फर्स्ट फिल्म हैपेंड, तो मैं बहुत नई थी उस वक्त और आई डिडंट हैव टू मच टू डू इन द फिल्म बैक देन।
I still don't have too much to do in this way. No, no, don't say that, Kitty. वो जितना करेगी वो आप देखेंगे तो उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम सिर्फ उसके ऊपर. No, but I want to say here that I am very okay with that. मुझे लगता है ये फिल्म सच में पारिक परिवार की है एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. एवरी फिल्म डजंट हैव टू बी अबाउट मी. एंड जब यू नो व्हेन जेडी एंड आतिश केम टू मी विद द सेकंड पार्ट, मुझे पता था कहीं उनको भी थोड़ा हेजिटेशन है कि यू नो कम काम है कीर्ति का, पता नहीं करेगी नहीं. उस टाइम तो मैं नहीं थी, तो मेरे लिए आप जो भी मुझे देते हैं आई वॉज वेरी थ्रिल टू डू इट. बट नाउ विद द बॉडी ऑफ वर्क आई हैव, थोड़ा सा यू नो आई थिंक यू गाइज वर अ लिटिल लाइक you know, will she do it, not do it, will she be okay with it? And I was like, why not, yaar? I mean, everything said and done, Khichdi is so close to my heart. You know, I started with that. It's such a beautiful, I genuinely love, enjoy Khichdi, and I'm a fan of all of them sitting here. And I was like, of course I'm going to be a part of it. Of course I'm Parminder, and I will do what I need to do. And here I am, 12 years later. Oh my God, feels like a lifetime. जो मुझे उस वक्त कहा था आतिश ने कि लीव योर ब्रेन्स एट होम एंड कम एंड हैव फन, इस बार जब मैं शूट पे गई, पहला दिन जो मेरा शूट का था, आई जेन्युइनली वाज वेरी नर्वस बिकॉज आई एम लाइक मैं इतना सीरियस काम करती हूँ, मुझ में कॉमेडी बची है या मतलब ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है. एंड आई वाज लाइक आई बेटर गेट दिस, आई बेटर डू दिस वेल बिकॉज मोर देन पीपल वॉचिंग इट, आई वाज लाइक आई नीड टू फील good about myself as an actor ki main ye kar sakti hu. And I think jaise hi maine pehla shot diya, pehle ek do takes hue, I don't know what happened, suddenly I felt ki Parminder ki aatma kahin na kahin to bhatak rahi hogi, ki I suddenly got you know possessed by it. And I had a blast like the first time, actually more than the first part. And thank you so much guys, thank you so much for making me a part of this. So yeah, that's my story. कीर्ति के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सीन्स उसके साथ किए हैं और बहुत सच बोलती है. बहुत सीन्स तो नहीं किए हैं, सुनो जितने किए हैं बहुत वक्त गुजारा हमने गाने किए और ये बहुत सच बोलती है, ये ब्रेन्स घर पर ही छोड़ कर आते थे. I think the media needs to know this a lot about me. कि मैं बहुत हंसती हूँ, हंसाती भी हूँ. अरे बहुत 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 बिल्कुल. आप एक कुछ पूछना चाहते हैं कब से? संजय मिश्रा नव भारत टाइम्स के पूछ रहे हैं. हेलो, लो 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 लो, वापस हम ले लेंगे. हाँ जी जी, मैं कह रहा था कि कॉमेडी आजकल जब हम लोग टीवी पर भी देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो हमें लगता है बहुत देखा सा है, बड़ा थकाऊ सा है, उबाऊ सा है. लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं एक कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर देख रहा था और मुझे लग रहा था ये फिल्म मुझे देखनी है. ये कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दूसरी बात, बस हो गया. नहीं प्लीज पूछिए, आपका हैम्पर पहुंच जाएगा. आप पूछिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए. ओ बाबूजी की गाड़ी दे दो. लाता हूं, लाता हूं. नहीं प्लीज प्लीज, लाता हूं, लाता हूं. सवाल सवाल सवाल. तो सवाल ये है क्योंकि आपके कैरेक्टर्स में ना चेंज नहीं होता कि किसी को रिप्लेस कर दिया, तो एक तो ये चुनाव जब शुरू में किया गया होगा कि हंसा ये बनेंगी, जयश्री ये बनेंगी, एक तो कैसे बुलाया था, कैसे कांटेक्ट किया था, फिर आपकी टीम बनी होगी, एक तो टीम ओ कास्टिंग की, और दूसरी जब आप लोग लिखते हैं आतिश जी से है, और फिर जब कैरेक्टर आप लोग वो करते हैं, तो मतलब ये जो लेखन कॉमेडी का होता है ये रिपीट नहीं हो. जैसे उनसे उनका एक डायलॉग है कि कहाँ खो गया, कितना खोया, तो कहती हैं पूरा खो गया सर से पैर. तो मतलब ये लिखना दिमाग में, मतलब ये कहाँ से आता है कि नया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं सोच पाता हूँ कि इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे लिखी. सर इट इज ये माइक एक ही आदमी को बोलने देना चाहिए. आतिश 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 ही राइट. आतिश के बगैर खिचड़ी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो ही नहीं सकती. तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं स्पेशली ये वाली, तो इनके में मतलब सबके बिना नहीं हो सकती. लेकिन आपने जो पूछा उसका एक बहुत सिंपल जवाब है कि एक विज्ञान है खिचड़ी में, खासकर एक विज्ञान है. मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि जब खिचड़ी आई और खिचड़ी मूवी आई तो इस तरह का कुछ कैसे, मैंने कहा नहीं नहीं कोशिश हुई थी. और मैं कोई इसमें कोई अगेन अभिमान या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म का, हमारी जो कहानी कहने का जो ढंग है उसका एक विज्ञान है. जब तक आप वो विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक जो है आप नहीं बना पाएंगे, वो कैसे लिख पाएंगे. और आपको क्यों किसी और की तरह लिखना है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया. तो खिचड़ी का जन्म ही वहीं से हुआ था,
किसी ने एक दिन कह दिया गुस्से में आके कि तुमको तो टेलीविजन लिखना नहीं आता, तो हमने कहा ठीक है, मैंने जेडी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई मेरे को तो नहीं आता टेलीविजन लिखना, तो हम टेलीविजन में जो हो रहा है उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे। अगर टेलीविजन ये कह रहा है कि बड़ों का आदर करो और बच्चों को, तो हम वो नहीं बोलेंगे, हम उल्टा बोलेंगे, बाबूजी को फेंक देंगे इधर उधर। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइज्ड राइटिंग और सोच जो है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। यही चलता है, यही करना चाहिए, लोगों को यही अच्छा लगता है। अरे भाई लोगों को बेवकूफ मत समझो भाई, और अपने आप को ज्यादा अकलमंद तो बिल्कुल मत समझो, ना वो बेवकूफ है और ना ज्यादा आप अकलमंद है। आप जो जिस चीज में शिद्दत से विश्वास करते हैं उसको एक आकार देने की कोशिश कीजिए। हर एक लेखक का, हर एक माँ का, हर एक क्रिएटर का बच्चा यूनिक होता है। आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के जैसा क्यों बनाना चाहते हो? तो ये सोच करके मैं खिचड़ी लिख रहा था, मैंने जब पहली बार जेडी बोला था फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा इतने ट्विस्टेड लोग बनाएंगे कि लोग बोलेंगे हाय बाप रे बाप, ये क्या है, ये कौन है? लेकिन इसका एक बहुत सिंपल विज्ञान है जो मैं नहीं बताऊंगा क्या है, बिकॉज वो एक शेफ की सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है। लेकिन आपको एक ताज्जुब वाली बात बता दूं, जब खिचड़ी आई और जब इवन द मूवी आई, बच्चों ने पकड़ लिया कि एक्चुअली अगर आप दिमाग घर पे मैंने बोला था कीर्ति को कि रख के आना, शूटिंग में मत सोचना, सोचा हुआ है यू जस्ट हैव अ ब्लास्ट, लेकिन ऑडियंस यकीन मानिए अगर ऑडियंस अपना दिमाग ऐसे बोलते ना, अरे दिमाग घर पे रख, नहीं, खिचड़ी 2 अगर देखनी है, खिचड़ी का कोई भी कुछ भी देखना है तो दिमाग लेके आना, मेहरबानी करके लेके आना, बिकॉज इट इज़ आई एम नॉट सेइंग इंटेलिजेंट कॉमेडी। हम कोई ऐसे विशेषण इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लिए कि अरे भाई देखो खुद की जो है वो वाह कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। आपने जैसे बोला कि क्योंकि वो पात्र बिल्कुल सुनती है उस सवाल को उस नज़र से, उस अंदाज से कि कहाँ से लापता हुआ है, तो सर से लेके पाँव तक, और उसमें वो जोक नहीं मार रही है, अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअली बोल रही है कि क्या बेवकूफ जैसा सवाल कर रहा है तू, सर से लेके पाँव तक आधा थोड़ी कोई गायब होगा। तो ये ऐसी है, हंसा ऐसी है, हिमांशु ऐसा ही है। अगर आप नोट करेंगे तो हिमांशु अनुस्वर नहीं बोलते, ये लोग पिक नहीं करते, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन खूबी है, वो आएंगे करेंगे ऐसा बोलता है। तो ये, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं, आपको लगेगा कि ऐसे कोई पात्र होते हैं, यकीन मानिए ये सारे पात्र जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से उठाए गए हैं। और मेरा एक ही धंधा है जिंदगी भर बैठ के, मैं और कुछ नहीं करता, या तो किताबें पढ़ता हूँ या फिर मैं लोगों को देखता हूँ, बिकॉज लोगों को देख करके जो आप मतलब चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है प्रफुल्ल, एनसाइक्लोपीडिया उसका जवाब कि कुछ ही देंगे फिल्म में, लेकिन इंसानों को देख देख कर, उनकी खूबियां देख देख कर, उनकी अजीबियां देख देख कर, खुद की जो है वियर्डनेस देख देख कर हम लेंसिंग बदल देते हैं, तो अपने आप में जो है वो ह्यूमर बन जाता है। आप देखना, मतलब मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे लगता है स्पेशली फ्यूनरल्स में, बाप रे बाप ये सब के सब कॉमेडियंस होते हैं। आप लेंसिंग चेंज कर दो, आपको भी नजर आने लगेंगे इस तरह के पात्र। तो लिखाई का एक ही ये मंत्र है कि ये लोग जो है वो है दुनिया में, आपको उनको पहचानने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बात करी आतिश भाई, बोलते बोलते एक अच्छी बात कर गए, जो हम आपको कहना भी चाहते हैं। मुझे ये नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस का वक्त कितना है, ये थिएटर हमारे कितने वक्त तक है, हमारे पास क्या समय है। ओके, बहुत समय है, बहुत बोलेंगे आप, कितने सब सवाल पूछ सकते हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट क्यों करना चाहता हूँ कि हाँ अगर हम टीवी से जोड़ते हैं तो बहुत सही, कोई बात नहीं है, पर मुद्दा क्या पता है, हम बात कर रहे हैं सिनेमा की, हम बात कर रहे हैं खिचड़ी 2 की, हम ट्रेलर देख रहे हैं खिचड़ी 2 का, और हम बातें कर रहे हैं वो, तो क्या है ना, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी खिचड़ी मूवी में क्या है। वाई शुड पीपल कम टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स? सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप उसके मूवी की बातें ज़्यादा करें तो हम आपको बहुत बता सकते हैं कि मूवी क्या है, मूवी किस बारे में है, मूवी में क्या है। जैसे बच्चों को लेकर आने वाली, आज एक बात बोलता हूँ और ये आप रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, मैं किसी से, यानी मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है बात, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि वायलेंस उसमें यूए लिखते भी है पर कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं पूछता है, बच्चों को लेकर चले जाते पिक्चर देखने और कोई पूछता भी नहीं, बच्चे देख भी लेते हैं। और वीडियो गेम्स, आज देखिए बच्चे जो गेम्स देख रहे हैं, एक जो माहौल है, खिचड़ी इज़ वन फिल्म विच आपके बच्चों, हमने बच्चों ने बहुत पकड़ा था खिचड़ी को, और ये मूवी जो है हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी कि जो बच्चे आपको ज़्यादा ना दिखते हुए भी बच्चों को मज़ा आ जाए, ये वाली बात है इसमें।
तो खिचड़ी द मूवी, ये जो खिचड़ी टू है, वो एक ऐसी कहानी क्रिएट करी हमने जो पूरा परिवार, और दिवाली का माहौल, फेस्टिविटी के बारे में आतिश ने बीच में एक बताया था, पर ये इसी माहौल में लाने की बात क्यों है, क्योंकि आजकल आप कितनी फिल्म पूरा परिवार जाके साथ में देख सकता है, सोचोगे तो बहुत कम फिल्में आपको दिखाई देगी अगर आप वायलेंस को निकाल दे तो, क्यों, वो बच्चा छोटा है तब उसको लगता है तार तार किसी को भी किसी भी तरह मार देना ठीक, हम किसी फिल्म के खिलाफ नहीं बोले, प्लीज़ हम खिचड़ी की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हाँ यार, बहुत टाइम के बाद बच्चे आजकल अपने अपने सोशल मीडिया पे लगने लगे, अपने फ़ोन पे रहते हैं, सब अपना अपना कंटेंट देखने लगे हैं, तो हमको लगा नहीं नहीं नहीं, एक फिल्म दिवाली के टाइम ऐसी आए जो बच्चों को, परिवार को, सबको, आप तीन जनरेशन एक साथ बैठ के हंसना मिस हो गया है। आप देखिए, मैं उस फेस को छूना पसंद करता नहीं हूँ ज़्यादा, पर कोविड के बाद एक सिनेमा का माहौल बहुत ठीक नहीं था, क्योंकि हम में से मिडिल क्लास फैमिलीज, स्पेशली फैमिलीज अफेक्ट हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे, कुछ हंसी खुशी खुल के बहुत आई नहीं थी, बहुत अभी भी इतनी सारी नहीं आई है, तो हमको लगा दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग खिचड़ी द मूवी के पूरे देश में, हम तो चाहें हर जगह, और हमने उसने एक कैंपेन बनाया जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारा मंत्र क्या है इस दिवाली खिचड़ी के लिए, हंसो और हंसाओ, सिंपल, हंसो और हंसाओ, अंग्रेजी में सुप्रिया जी के लिए खास, लाफ एंड मेक लाफ। आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं वो एक सिंपल सी बात है, प्लीज आप बोलिए, आप बोलिए। हाय प्रफुल, लाफ मतलब कुछ नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ये ऐसा है कि बस लाफ मतलब ये जो अब इन्होंने जो किया दैट सो क्या है, क्यों ये जरूरी है और क्यों आपको इस खिचड़ी का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से लाफ मतलब खिचड़ी टू, खिचड़ी टू, और आपको हिस्सेदार क्यों बनाना चाहते हैं? तो सिंपल सी बात है, हमने तो बना ली खिचड़ी, अब आप उसमें कैसे जुड़ेंगे? आप एक व्हाट्सएप पे जोक आता है या एक मैसेज आता है या कुछ अच्छा एक वीडियो आता है, अब भी वो वायरल हुआ वाव, वो आगे नहीं भेजते, शेयर नहीं करते, आप उसका हिस्सा बनते हैं ना, वो चेन बनते हैं। आप अगर किसी को हंसाना चाहते हैं, आप ट्रेलर देख के खुश हुए ना, हंसे ना, तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट अस, दिस मूवी हैज अ लॉट ऑफ लाफ्टर्स। अगर 50 से कम लाफ्टर्स आए ना तो मुझे मुंडवा देंगे बाबूजी की, ये वादा है हमारा आपको। तो ये बात है कि आप ये मूवी के बारे में सवाल पूछे, सॉरी आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम द टीवी, बिकॉज वी रिस्पेक्ट, वी लव टेलीविजन, वी कीप डूइंग टेलीविजन, टेलीविजन इज आउटस्टैंडिंग, ये हिंदुस्तान से आप टेलीविजन को कभी नहीं हटावे, क्यों, इट्स अ सिंगल हाउस, फैमिली व्यूइंग एक साथ बैठ के टेलीविजन पे होता है। पर आज जब मेरा आपसे ये हम मिले हैं, ट्रेलर की बात करते हैं, वो उसके गैग की मूवी की बात करते हैं, ये खिचड़ी तो कितनी बड़ी, दिवाली पे परिवार मित्रों के साथ 500 लोग एक साथ बैठ के थिएटर में जब हंसेंगे ना, आप हमें याद करेंगे, याद रखेंगे। ओवर टू यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज। हाय जेडी सर, समीर फ्रॉम मूवी टॉकीज। कुछ देर पहले आपने स्क्रिप्टिंग की, यू नो, लाफ्टर्स की बात की, जब इसका टीजर आया था हम लोग को, यू नो, एक शाहरुख खान के पठान और सलमान के टाइगर का जो जिक्र किया था, कुछ देर पहले आपने एक्ट किया उसमें रोहित शेट्टी का जिक्र किया, तो ये जो आइडिया है, यू नो, बॉलीवुड के स्पूफ इसमें लाना, मतलब फैमिली कॉमेडी तो है, जेन्युइन कॉमेडी है, बट बॉलीवुड के स्पूफ लाने से, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया और कितने ज़्यादा हमें देखने मिलेंगे फिल्म में? ये स्पूफ पिक्चर में नहीं है, क्या होता है पिक्चर में नहीं है स्पूफ, पर जब हम तो पिक्चर बना लेते हैं, फिर इसके साथ और बड़ी टीम जुड़ती है, मार्केटिंग, प्रोमो, बहुत लोग होते हैं, तो ये जो हमारी प्रोमो टीम है, बंटी और अमन, उनकी टीम है, उनका आइडिया था कि सर आपकी पिक्चर इतनी बड़ी है और इसमें जो कहानी है, हम मिशन पर जा रहे हैं, आपने पिक्चर के नीचे टाइटल देखा होगा, खिचड़ी टू मिशन पान थुकिस्तान, तो वो पान थुकिस्तान, दिस इज एन एडवेंचर कॉमेडी, खिचड़ी को इस बार आप नाम दे सकते हैं एडवेंचर कॉमेडी, तो ये जो एडवेंचर पे जा रहे हैं इसलिए उन्होंने ये कहा। और आज तो आतिश भाई ने एक स्क्रिप्ट लिखी क्योंकि आपको हम कुछ एंटरटेन करना चाहते थे, क्या ट्रेलर दिखा के अब निकल जाते, हम निकल जाते, पर ऐसा था कि इतने सालों बाद हम सब मिल रहे हैं तो वाई नॉट हैव सम लाइव, और किकू, किकूड़ा जिसको हम प्यार से, किकू हमारे साथ थे, तो वो स्क्रिप्ट में खाली रेफरेंस है, पिक्चर में किसी का कोई स्पूफ हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं कि ना करें, इसमें कोई स्पूफ नहीं है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ट्रेलर में भी स्पूफ नहीं है, हम तो यही बोले हैं कि
किसी को टाइगर पूरा करता है, किसी को पठान, इस बार पूरा करेगी ये फैमिली महान। तो हमारा एक मंत्र रहा है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अगर हम रोहित जी की भी बात करें तो हमने क्या कहा, इस बार तो 80 स्टंट होंगे। हम हमेशा जो है और ये मानते हैं कि कॉमेडी जो है अपने आप पर करो, किसी के ऊपर स्पूफ करके या किसी को जो है अलग लेंस से दिखा के कॉमेडी नहीं होती। दैट इज पुलिंग डाउन समबडी इंसल्ट, और हम उसमें मानते नहीं। हम हमेशा ये कहते हैं कि अरे ये इतने मान है, हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग कंपैरिजन में हमेशा यही कहते हैं कि हम अतरंगी है, ये लोग बड़े हैं, ये बड़े हैं, और ये हकीकत है, और जो सच है वो सच होता है। हाय, मयूरिया फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरे दो सवाल है, एक पहले कीर्ति से है। आफ्टर शेव लोशन यूज करके आपकी खूबसूरती और बढ़ गई है। ये एक्चुअल खूबसूरती स्विट्जरलैंड जाके आई है। तो उसमें हो जाए सब लोग एक साथ, वंदरका गी। मुझे जहां मौका मिले प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल, आई थिंक आतिश जी, जीडी जी, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ समबडी फ्रॉम द कास्ट मेंबर्स, पर्टिकुलरली मिस्टर देसाई, आपने ऑब्वियसली जिक्र किया यू नो सेल्फ डेप्रिकेटिंग एंड खुद पे हंसने के लिए करेज चाहिए होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि उसी में सबसे जेन्युइन ह्यूमर आता है। सर, लेकिन शायद लिखते समय या एक्टिंग करते समय एक ये भी चैलेंज रहता है कि खुद पे हंसते हंसते यू नो कहीं ऐसा भी ना हो कि जो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कि वो एक स्टीरियोटाइप या ना बन जाए। इस चीज़ पे कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप किसी चीज़ को देखकर अगर आपको ये लगा हो तो यू नो स्पेसिफिकली, बिकॉज वी अवॉइड, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी तो यही हमेशा कोशिश रहती है कि स्टीरियोटाइप को तोड़ो, स्टीरियोटाइप मत करो। और अगर आपको एक रेफरेंस देना है तो आपको एक इंडिविजुअल पर्सन बोलो जो फिक्टिशियस हो, ताकि किसी को ना लगे कि यार मुझे स्टीरियोटाइप कर दिया। और स्टीरियोटाइप के तो हमारी तो सोच ही स्टीरियोटाइप के, आप हमारा कोई भी काम देख लो स्टीरियोटाइप के खिलाफ होता है, हमेशा उसके खिलाफ होता है। कि मतलब आप देख लो कि स्टीरियोटाइप, मैं बताऊं आपको, देवरानी जेठानी, तो देवरानी जेठानी में अक्सर क्या दिखाया जाता है, जो हमको सिखाया गया है पहले के सिनेमा से, टेलीविजन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेलीविजन तो वही किया जो पुरानी सिनेमा सिखाती थी, तो वही सिखाती थी कि एक दूसरे की जो है बुराई करना, एक दूसरे से जो जेलस होना। हमने क्या दिखाया कि हंसा भोली है, ये शाणी है, लेकिन ये हंसा को कभी फायदा नहीं उठाती। तो हमने तो स्टीरियोटाइप तोड़ा कि देवरानी जेठानी, देवरानी इतना इतनी केयर करती है अपनी जेठानी की कि कोई कुछ बोल दे तो बाबूजी अगर कुछ बोल दे हंसा को तो ये उनको फिकवा देती है। और जेठानी कुछ भी नहीं करती है, हाँ, फिर भी देवरानी उसकी सारी चीजें मैनेज करती है, सब संभालती है। और आई डोंट थिंक ऐसा कहीं भी किसी भी घर में नहीं होता जो हम लोग दिखाते हैं। और आतिश सही कह रहे हैं कि वाकई एक भी स्टीरियोटाइप नहीं है। जिस टाइम पे टेलीविजन में हस्बैंड वाइफ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होती थी, हमने प्रफुल हंसा बनाए जो सिर्फ एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के प्यार में रहते हैं, वो और कुछ सोच ही नहीं पाते। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट, वी वर अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप ऑफ हैविंग दीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आज भी। और दूसरी एक बात कि बाबूजी और प्रफुल का अगर रिश्ता ले ले, ये हिमांशु इस घर की बहू का भाई है, वो इधर ही रहता है, कितना बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ा। हमारी इधर नहीं रहता है, वो बाबूजी को कहीं चारों जगह फेंकते रहता है। स्टीरियोटाइप क्या भी करते हैं, हूं तो हमने, यू शुड स्पीक ऑन इट। स्टीरियोटाइप क्या होता है, बहन के घर का पानी। अरे भाई क्यों बहन के घर का पानी नहीं पी सकते, कौन बोला, काय को आप जो है उस तरह से ऐसा ही अब खुद ही जता रहे हो कि हमने तो बड़ा एहसान, आपने तो बड़ा एहसान किया है हमारी बहन को अपने, काय को कोई एहसान नहीं किया है, जैसे हमारी बहन है वैसे आपका बेटा है। तो उसके घर में जाके अगर वो हमारे घर पे आकर के मेहमान नवाजी का जो है फायदा उठा सकते हैं और दामादगिरी दिखा सकते हैं, तो फिर वो सालागिरी क्यों नहीं दिखाएगा। स्टीरियोटाइप तो तोड़ा। दूसरी एक बात, ये बाबूजी, ये उनका बेटा प्रफुल, ये इतने 21 साल से एक काम उसने ठीक से नहीं किया है। अभी भी आपने देखा तो उसने ग्लासेस का जो है क्या मतलब निकाला, लेकिन ये आदमी फिर भी अपने इतने लाडले बेटे को ही काम सौंपता है और फिर उसको गधा बुलाता है, उसको सबके सामने नीचा दिखाता है। स्टीरियोटाइप तोड़ा। बाप को कभी अपने बच्चे में ऐब नहीं नजर आते, इसको नजर आते और ये दुनिया को भी कहते हैं ये तबाह करते हैं। तो इस तरह का जो है हमने हर स्टीरियोटाइप को एक्चुअली तोड़ने की कोशिश की है खिचड़ी टू के जरिए। अनंग भाई अगर आप उसमें कुछ बोलना चाहें। हाँ बिल्कुल, स्टीरियोटाइप तोड़ा ही है। हिमांशु मेरे घर में आके, तुलसीदास पारेख के घर में आके रहता है, वी वेलकम हिम। ऐसा नहीं, वो इंसल्ट भी करता है, हमारी तूतू मैं भी होती है, मगर फिर भी बड़े प्यार से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते रहते। और प्रफुल तो मेरा प्यारा बेटा है, ये निकम्मा है, गधा भी बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सबके सामने इंसल्ट भी करता हूँ, पर काम भी उसी से करने को कहता हूँ,
वो काम करे या ना करे, मैं काम करने को तो उसी को कहता हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इनकेपेबल बेटा अगर हो तो फिर उसको अवॉइड ही करेंगे लाइफ में या फैमिली में, मगर ये इनकेपेबल एट अ लेवल है, मगर काम इसी से करवाता हूँ, तो ये तो स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं रहा। तो स्टीरियोटाइप हमारी फिल्म में है ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। मेरा सवाल पूछने से पहले सबसे पहले आप सबको धन्यवाद ही देना चाहूँगे कि आपने इतने सालों से हम सबको हंसाया, हमारी परिवार को हंसाया। एंड जी डी सर, जैसे आपने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटेंट कि आप एक बहुत ही कठिन फेस के बाद हम सबके लिए ऐसी एक मूवी ला रहे, सो थैंक यू अगेन एंड कंग्रेचुलेशन इन एडवांस। क्योंकि जैसे हम सब ऑलरेडी हंस रहे हैं ट्रेलर को देख के, तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि ये आपकी दिवाली गिफ्ट पक्की है। मुझे आपके नाम का जो पिछला हिस्सा है ना वो बहुत अच्छा लगा है कि ये इस दिवाली बहुत सारी लक्ष्मी हमारा पिक्चर देखना है। प्लीज कंटिन्यू। हमारा ये सॉरी स्वभाव है कि हम माहौल को थोड़ा हंसते हंसाते रखते हैं क्योंकि हमारा काम भी वो है। प्लीज मेरा सवाल एक्चुअली आपसे ये है कि सीरियल एक तरफ, फिर उसको बड़े पर्दे फिल्म पे उतारना, 2010 में पहली फिल्म आई और अभी 2023 में दूसरी फिल्म आ रही है, इतने लंबे अरसे में आप सब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रोफेशनली और पर्सनली काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखी आप सब ने, पर जैसे वंदना मैम ने कहा स्क्रिप्ट नहीं आती आपके पास, आपको डायलॉग सेट पे दिया जाता है, बट आप एज एक्टर्स अपने बीच में वो केमिस्ट्री वो ट्यूनिंग कैसे ला पाते हैं? क्योंकि हम जब स्क्रीन में देखते हैं कैरेक्टर्स को हमें तो ये बहुत एफर्टलेस लगता है, हमें लगता है कि बहुत सालों बाद एक परिवार से वापस हम मिले हैं, पर जब आप एक्टर्स एक साथ सीन्स एनैक्ट करते हैं तो आप वो ट्यूनिंग बिठा कैसे पाते हैं आपस में अपने बीच? ये आपने जो एक जो आपने बोला है ना, क्या है, हम सब में ना इतने सालों से वो ये बिल्टी ना, किसी को नींद में से उठा लो जगाओ और एक पूछो तो सब अपनी तकिया कलम अपना लहका अपना ये सब एक साथ बोल पाते। पर फिर भी मैं वंदना जी से थोड़ा डिफर करूंगा इस बात में, क्योंकि वंदना जो कहना चाहती थी ना कि स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है, इतनी मेहनत लगती है स्क्रिप्ट बनाने में लिखने में, तो प्लीज उनको बोल लीजिए कि स्क्रिप्ट हमको मिलती है पर हम प्रिफर करते हैं कि आतिश हमको सुनाए और हम उस तरह से करें और हम अलग अलग प्रोसेस है सबकी। टू बी ऑनेस्ट, कोई मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं पड़ती है तो वो पढ़ के देख के, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर दूसरी 50 जिम्मेदारियां होती है, तो या एक छोटी बात याद नहीं रहती है, तो अब भी जैसे हो रहा था ये सब रेडी थे और मेरा ओली लाइन सोचे ओली हाँ हाँ, मैं लॉजिक ढूंढता हूँ, जब तक ये इलॉजिकल आदमी के दिमाग में उसका लॉजिक नहीं जाता है, ये सबके साथ ये प्रोसेस होती है। मूवी में भी बहुत हुई, हम कहाँ कहाँ शूट कर रहे होते हैं और वहाँ होता है कि एक सीन जा रहा है वहाँ 5 जन को मूवमेंट करके बात करनी है, तो सबकी स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में हम किरदारों की हमको थोड़ी थोड़ी उसके वर्कशॉप इस बार भी किए और फिर हम सारा आतिश पे छोड़ते, क्योंकि वहाँ क्या होता है ये लाइन वहाँ होती है फिर भी वो जिस तरह इम्प्रोवाइज होता है या यहाँ पे ये लोकेशन है तो ऐसा चेंज होता है, तो लेट देम ऑल्सो स्पीक ऑन दैट। आतिश एज अ कैप्टन ऑफ द शिप हम सबको कोऑर्डिनेट करता है, जैसे सिम्फनी में कंडक्टर होता है कैसे सबको करता है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ अस किस तरीके से कौन सी जगह क्या बोलना कैसे बोलना, सो द होल क्रेडिट गोज टू हिम कि हम तो ऐसे एफर्टलेसली कर पाते हैं। आई ऑल्सो फील वन थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग खिचड़ी फॉर सो लॉन्ग नाउ एंड इट्स काइंड ऑफ एज जेडी सेड इट्स इनग्रेन्ड इन अस। अगर आप रात को भी उठा के हमें बोलेंगे तो हम अपनी लाइंस तो बोल पाएंगे और ये कहीं ना कहीं जैसे बिगिनिंग में हमने जब शुरुआत की थी खिचड़ी की, तब जब हमने वो मेहनत जब हमने वहाँ की थी कैरेक्टर्स बनाने की, जो आतिश ने हमारे साथ बहुत काम किया था इन कैरेक्टर्स को बनाने में, वो आज फल लाया है और हम बहुत आसानी से इसके अंदर घुस सकते हैं, हमें वाकई वक्त नहीं लगता। अगर आप अभी भी हमें उठ के कहेंगे चलिए करिए, हम उठ जाएंगे और हम कर देंगे, कोई ना कोई लाइन तो हम बोल ही देंगे। तो मुझे लगता है ये हमारे अंदर अब बस गया है और जब तक आई थिंक टिल आई डोंट डाई हंसा इज़ नॉट गोना लीव मी, शी इज़ गोना स्टे देयर विथ मी बिकॉज आई रियली लव हर। सो आई थिंक वी ऑल फेल इन लव विथ हर कैरेक्टर्स एंड दैट्स वाई इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स हार्ड वर्क
बट इट्स नॉट डिफिकल्ट. उसमें एक बात इन्होंने सवाल पूछा था पर मैंने तभी बात बदली थी, कास्टिंग. अब आपका जवाब देता हूँ मूवी में आज भी, वो कास्टिंग में एक बड़ा फर्क भी बताऊंगा कि कास्टिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. और ये मूवी में ये कास्टिंग इस बार आप देखोगे तो छोटे छोटे किरदार आपको नजर आएंगे, पर उस किरदार में जैसे ये पांच कैसे सॉलिड रॉक सॉलिड एक्टर्स आपको लग रहे हैं. अब कीर्ति जी को आप देखो, कीर्ति ने जो बॉडी ऑफ वर्क की बात करी, पर परमिंदर हमने 100 लड़कियों का ऑडिशन किया था उस वक्त. बट दैट्स वाई यू सी कीर्ति कुलरी यू नो शाइनिंग आफ्टर दैट, बिकॉज वी न्यू कि कीर्ति इज द राइट पर्सन टू प्ले दिस सच अ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर सो विद सो मच ऑफ ईज. कॉम्प्लेक्स ब्रेन तो घर पे रखने वाली बात हमारी हो चुकी थी. और उसके बाद इस मूवी में आप देखोगे, आपको लगता है फराह खान वो पहली खिचड़ी का हिस्सा थी, सामने से फराह तेरा यार यो, सब लोग जिधर जाती खिचड़ी के बारे में बहुत बोलते हैं, तो फराह खुद बोल दिए ऐसे कि मैंने इतना काम किया साला, आके पूछते खिचड़ी कभी आएगी, तू खिचड़ी में करेगी कि नहीं. तो दिस वॉज फराह खान. लुक एट फराह खान, इतना एक डायरेक्टर कितना काम है इस डायरेक्टर किया, पर खिचड़ी में हमने फराह खान को क्यों कास्ट किया. एक तो अगेन अ बिग ह्यूज थैंक्स टू फराह, शी जस्ट फेवर्ड अस एज अ फ्रेंड, वी कैन नेवर फॉरगेट इट. अब आप देखेंगे उसमें प्रतीक गांधी एक ऐसा किरदार में आप देखोगे, आप पिक्चर ट्रेलर देखा ना, प्रतीक के अलावा ये रोल कोई नहीं कर पाएगा. उसमें उसका नाम उसका म्यूजिक, हमने छोटे छोटे किरदार में प्रतीक अगेन यानी वो खिचड़ी का इतना बड़ा फैन था, बोलता है खड़े रहने दो मैं कर लूंगा, पर इतना अच्छा कैरेक्टर गया. अब आपको एक बंदे के बारे में ज्यादा यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी कुछ कंटेंट 17 तारीख को चाहिए होगी, इसलिए आप सवाल का जवाब नहीं पूछेंगे. जो आखिर में बैठ के मुस्कुरा रहा है, जिसने आपको चैलेंज दिया है कि उसको ढूंढ के दिखाओ, आप जब इनको ढूंढ लोगे तब आप देखना कि ये रोल में कीकू के अलावा क्या खिचड़ी खिचड़ी टू में कोई कास्ट हो सकता है, तो नहीं हो सकता. हम सब यहाँ एक साथ बोलते हैं. और इस किरदार के सिवा, इस किरदार को छोड़कर के क्या खिचड़ी टू बन सकती है, यह भी नामुमकिन है. और इतना इंटीग्रल पार्ट है, चेरी ऑन दी आइसिंग, ऐसी चेरी है कीकू नाम की. और एक है अनंत, अनंत को आपने पिक्चर में दिया, अनंत इतना मस्त किरदार में, हमको ऐसा ही बंदा चाहिए था जो यहाँ पे फिट. तो जो कास्टिंग है खिचड़ी टू मूवी की, वो मूवी को हमने एलिवेट किया है. प्लीज ऐड इफ आई हैव फॉरगॉटन समबडी, परेश गणात्रा है, फ्लोरा सैनी है. तो आप इनको देखेंगे ना, रियांश है, आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कास्टिंग करिए. तो हम इतने सालों से ये मूवी में इस तरह की कास्टिंग आपके सामने फिर लाना चाहते थे, इसलिए हम बार बार कहते ये भर भर के राइट कास्टिंग से मनोरंजन है इस दिवाली. लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी आपको लक्ष्मी ही कहूंगा आज से. आपकी आपकी जो बात थी उस पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि खिचड़ी टू मूवी के शूटिंग के दौरान मैं यकीन मानिए कि इससे बड़ा कोई पिकनिक नहीं हो सकता जिंदगी में. हाँ चैलेंजेस होती है, हमने भूज में जाकर के शूट किया, हमने इतना बड़ा सेट लगाया फिल्म अपना फिल्म सिटी में 30,000 स्क्वायर फीट का पूरा हमने एक पान थुकिस्तान शहर बनाया. लेकिन जैसे ही सेट पे आए, एक तो हम लोग बहुत खाना पीना खाते हैं उस मामले में, तो बाप रे बाप, मतलब जयश्री जो होती है ना, जैसे हमारी बास्केट्स खुलती है, इट इज एक्चुअली एवरी डे अ पिकनिक. और स्क्रिप्ट पूरी हार्ड बाउंड होती है, सबके पास होती है, लेकिन वो ऐसे लेकर के पढ़ने ना पढ़ने के पीछे भी एक विज्ञान है. वो विज्ञान बहुत सिंपल है कि आप मत करो ना टेंशन, वो लेट्स मेक इट अ किंडरगार्टन. आप अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो. किंडरगार्टन में कभी किताबें नहीं खुलती, किसी को जो है वो बुक नहीं दी जाती. एक टीचर होता है और टीचर जो है और या होती है, और वो जो कि उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाती है, ये लोग सब सीख, लेकिन वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हर बच्चा अपने अंदाज में बोलता है. तो ये हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है जिसमें एवरीबॉडी गेट्स इनटू देयर कैरेक्टर. और रीडिंग के दौरान इतना अभी जैसे ये डायलॉग था, क्या तो वो हाथ उठाएगी तो देखूंगी ना, कितनी बार हंसी ये खुद ही. तो हम कट कट करके कोई गुस्सा और एक करते हैं, बिकॉज वो जितना खिलता गया और वो जो बिहाइंड द सीन वाली जो एक एनर्जी होती है, वो आपस में इनको तो इन्फेक्शन है कभी कभी. तो बाप रे, ये अनंग भाई तो एक बार चालू टेक में और हंसने लगे तो उल्टे हो गए और कंटिन्यू किया, तो मैंने भी कट नहीं बोला. और फिर मैंने बोला, आनंद भाई आपको क्या लगा आप उल्टे घूम गए तो क्या आप कैमरा में दिखाई नहीं देगा, आप कट तो बोलो. और फिर उनकी मूछें निकल जाती है तो धोती उठा के ऐसे मूछ को पकड़ के. तो
ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि हम जब रीडिंग करते हैं ना तो ये लाइन निकाल दो ना, इसकी जगह पे ये बोलो, तुम ये रिएक्ट करो ना, या फिर आर्टिस्ट भी खुद अपने आप से ला, मतलब किक्कू जी मैं बता रहा हूं आपको, एक 20 लाइन का मोनोलॉग इस बंदे ने एक टेक में, हमारी लाइट जा रही थी, हम सॉल्ट अपना व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, नहीं 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 सॉल्ट डेजर्ट, सॉल्ट डेजर्ट, व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट, लाइट जा रही थी, लास्ट दिन शूटिंग का था और 20 लाइनें थी और इन्होंने एक टेक में, आई एम टेलिंग यू वी हैव टू क्लैप फॉर दिस मैन, एक टेक में इन्होंने धड़ 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 धड़, कीर्ति के साथ हम शूट कर रहे थे, वो लोकेशन उसी दिन था और कीर्ति जी को मैंने बोला कि कीर्ति ये ना अभी वाला जो सीन कर रहे हैं उससे पहले का एक सीन बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीन, मैंने जेडी को फोन किया कि जेडी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये सीन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने बोला योर कॉल, मैंने कीर्ति को बोला कि यार बिकॉज शी इज डूइंग अ वेरी वेरी स्पेशल अपीयरेंस, तो ये सीन व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट इट वाज शी सेड या इट्स इनकंसिक्वेंशियल, अगर इससे कुछ होने ही नहीं वाला है तो लेंथ कहाँ देखने बैठी हूँ मैं, ये सीन को जो है जमा के करते हैं, ये केमिस्ट्री जो है ना ये बहुत रेयरली मिलती है। कीर्ति का मेरा एक सीन है, मैं बोलना चाहूँगा इफ कीर्ति परमिट्स और आप मीडिया के लिए, पर बिकॉज हम फैमिली फिल्म बोल रहे हैं, एक हमारी किस की बात है, एक पप्पी वाली किस की बात है, फैमिली फिल्म है, सिर्फ बात ही रह गई, सिर्फ बात ही रह गई, पर आप देखोगे इससे मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म में आपने कभी ऐसा केस नहीं देखा होगा, आई मीन इट, आप देखिए अभी और बच्चे आपको बच्चे बोलेंगे बच्चे, और बिल्कुल इसको यू सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा केस है, आई मीन इट, अगर इसमें सबको मालूम है कहाँ ढूंढ लेना हमको, अगर आपको हमारी बात गलत लगे, अगर आपको हमारी बात गलत लगे तो आप है हम है और बाकी कीर्ति जी का नंबर मैं दे देता हूँ आपको, कीर्ति जी का नंबर हम दे देते हैं आपको, ये आप वाला किस कौन सा होता है आप देखेगा, देखिए अभी तक इनको किनको भी पता नहीं, खिचड़ी में, खिचड़ी में आता है, आप देखिएगा एक सच में क्या सीन है, लव सीन है, उसमें कैसे किस हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशंस जो होते थे ना वो बहुत अहम होते थे और मुझे लगता है हमारी जो खिचड़ी बनती है वो उन इम्प्रोवाइजेशंस पे ज्यादा बनती है, वो स्क्रिप्ट जो हमारे पास आतिश लाते हैं और फिर आतिश जो उसमें मसाले डालते रहते हैं उससे हमारी खिचड़ी बनती है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए अभी किसी ने बोला था ना कि बिरयानी बन गई है, बिरयानी नहीं बनी है, खिचड़ी खिचड़ी है, ज्यादा मसालेदार है बट खिचड़ी हमेशा खिचड़ी ही रहेगी और घी बहुत ज्यादा है। आपको और एक बताऊं, सिर्फ इम्प्रोवाइज वहां नहीं होता है, मजेदार बोलता हूँ, इसकी एक लाइन के साथ बोलता हूँ आपको, अब ये सस्पेंस खोल रहे हैं बिहाइंड द सीन वाला, पर इसलिए क्योंकि आप यहाँ से मजे करके जाए, हंस के जाए और आपको लगे पता चले क्या माहौल हमारा हर जगह होता है, हम जब थिएटर में खुद देखने जाएंगे वहां भी हम चार चीज और करेंगे, एक आपने ट्रेलर देखा, डबिंग में भी इम्प्रोवाइज होता है, डबिंग करते वक्त भी हो चुका है शूट, पर ये सस्पेंस है अभी बाहर मत बोलना, एक डबिंग में लास्ट में देखा ना जैसे वंदना बोलती है क्या बिस्तर में चूमेंगे, राजीव ने बोला हाँ सबको बिस्तर में चूमेंगे, वो तो हो गया, तभी एक क्राउड का शॉट है तो एक बोले सबको चूमेंगे, मैंने तो दाढ़ी भी नहीं बनाई, ये शॉट वहां नहीं लिया गया था, ये डबिंग में आतिश ने इम्प्रोवाइज किया और उसके बाद वो शॉट, वो क्राउड के शॉट निकाल के उसको एडिट करके वहां लगाया गया। सो खिचड़ी फ्रेश है, मेरा कहने का मतलब देखो मैं तो मार्केटिंग करता ही रहूंगा, बोलता रहूंगा खिचड़ी, देखिए खिचड़ी कितनी फ्रेश है और क्यों फ्रेश रहेगी सालों सालों तक, खिचड़ी टू ये बात करनी है अब। और खाली इसमें इतना ऐड कर दूं कि इसमें भी हमने स्टीरियोटाइप तोड़ा कि भाई मैंने तो उसको 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 राजा को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी इंक्लूसिव, उसको हाइजीन के प्रॉब्लम है, जब पहले बोल दिया होता तो मैं दाढ़ी मुझे एंड वी मीन इट, और वो डब करते वक्त भी मैंने बोला, मैंने कहा यू से इट लाइक यू हैव टू, डोंट ट्राई टू यू नो मेक इट अ स्टीरियोटाइप, ऑफ कोर्स इट्स अ मैन वांटिंग टू केस सबको चूमे करे, मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई, बोलता तो मैं बना के आता ना, कंसर्न ही अलग है, तो वी आर वेरी इंक्लूसिव एंड आई मीन इट, वी आर वेरी इंक्लूसिव and there is nothing that you know we want to again breaking a stereotype, uska hygiene problem, aur wo isliye hansi aati hai, koi koi log bolenge wo jo hote na those who can they get a life, those who can't they troll, wo log bolenge ki acha matlab aap mazak uda rahe ho ek mai, are kaha, open your mind and just watch na, ye pani pani, thank you so much, chaliye bol bol ke mera gala sook gaya hai abhi, sorry main are yes main abhi yaar main bol raha hu कि आपको ये थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आप जा रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
पिक्चर तो बाकी है. नहीं नहीं, मैं खाली बता रहा था कि मेरा गला काफी सूख गया, काफी देर से बोल रहा हूँ मैं. नहीं बट जस्ट टू एंड इट, आई इतना तो मैं बता दूं कि इनके साथ एसोसिएट करना मेरा बहुत बहुत टाइम से मेरा बहुत दिल था. मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की टीवी पे भी, ये भी समहाउ कुछ बैठ नहीं रहा था या कभी हुआ नहीं. बट मैं आप इनकी जर्नी की अगर बात करें तो वो सेम जर्नी हमारी भी है, क्योंकि हम भी 21 साल से शो देखते भी आए हैं. तो इट्स द सेम जर्नी. सो मैंने बहुत इन्जॉय किया है और मुझे हमेशा इनकी मतलब अदाकारी तो सभी की कमाल की है, बट द राइटिंग मतलब आतिश भाई हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू, हैट्स ऑफ, बिकॉज आई रियली फील के क्या होता है कॉमेडी के अंदर ना, वो इमोशन को अलाइव रखना, मतलब आप बात कह भी गए हो और एक बड़ी बात कह गए हो हंसते हंसते, ये सबके बस की बात नहीं होता लिखने में. तो ये आप कमाल करते हो भाई, कमाल करते हो. थैंक यू, थैंक यू. लास्ट टू जेडी, जेडी हियर, जेडी वो आप फिल्म देखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा. एक फिक्टिशियस नेशन, ताकि किसी और देश को ऐसा ना लगे कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं. हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ चीजों को बोल रहे हैं कि देखो ये गलत है. तो उसके लिए हमने एक फिक्टिशियस नेशन क्रिएट कर दिया ताकि ऐसे किसी को बुराई ना लगे. और फिर पान तुर्किस्तान के पात्रों के आप नाम सुनेंगे तो आपको जैसे और मजा आएगा कि इमाम खाके थूक नवरत्न वैसे वैसे. हाँ, एक बात हम खास कहना चाहते हैं. क्या होता है, एक माहौल, किसी के एक हम विजिट पे गए थे, एक किसी ने एक मैसेज भेजा. दो बजे तक का ही था पेमेंट, तो उनका माइक बंद कर दिया. अरे दोस्त यार, इतना तो इज्जत रख लेता तो अच्छा हो गया. आपने नहीं रिचार्ज कर दिया उन्होंने, लंबा हो रहा है जोक, तो खिचड़ी की तरह एडिट कर दिया. सो मेरा मुद्दा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, प्लीज ये खास. इसमें किसी ने हमको बोला था, अरे आपने भी पाकिस्तान, नो इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान. क्यों? कुछ नहीं, शांति से हम हमारे देश में, उनको वहां जीने दो, खत्म करो मैटर. अब पाकिस्तान से इस फिल्म का लेना देना, ऑन द कॉन्ट्री, जो पूरी दुनिया में खिचड़ी जो देखे, हमारा सिर्फ एक मकसद है, वो हंसे, हंसाए, खुश रहे. दिस इज, हंसो और हंसाओ से दूसरा कोई मकसद नहीं है खिचड़ी का. ओके, सिर्फ आप भी याद रखो, आप चाहे कितनी भी बातें कर लोगो, माइक मेरे पास है, मैं बोलता रहूंगा. हंसो और हंसाओ. क्वेश्चन. हेलो पारिक फैमिली, हेलो. हेलो जी, पूछना चाहते हैं, दोनों के हाथ में माइक है, एक एक जिनके पास माइक है उसका क्वेश्चन. पहले सीनियर को मौका. ओके श्योर सर. या जेडी भाई, हां सबसे पहले टू यूज योर बैनर्स नेम, हैट्स ऑफ टू द ट्रेलर ऑफ खिचड़ी 2. अच्छा, दूसरी बात, जेडी का दूसरा मतलब ये भी होता है, जरूर देखो. आप देखो, मैं कितनी बार बोलूंगा ये. अच्छा, 12 साल के बाद कीर्ति यानी परमिंदर का कैरेक्टर में आपको क्या फर्क महसूस हुआ, या इट वाज द सेम कंटिन्यूटी? कीर्ति आप बताएं. अच्छा, मुझे क्या फर्क? हाँ, आफ्टर 12 इयर्स यू आर अगेन प्लेइंग परमिंदर. इन टर्म्स ऑफ राइटिंग और इन टर्म्स ऑफ मी परफॉर्मिंग, नो, यू नो, कनेक्टिंग, बिकॉज़ यू डन सो मेनी सीरियस इंटेंस रोल्स इन बिटवीन. And reconnecting after 12 years. Honestly, as Supriya ji was saying na, क्योंकि मैं इतना इतने intense roles करती हूँ, इतने you know इतना कुछ करती हूँ कि मुझे खिचड़ी, for me, I think मैंने खिचड़ी की सही value, परमिंदर की सही value इतने साल बाद पहचानी है, because it just came as a breath of fresh air and बहुत अच्छा लगता है जब you know also when you do the kind of roles you do, you start taking yourself very seriously, you know, you start having this image of yourself, and I think to break away from that and do something as silly as Parminder was absolutely liberating for me as an actor. And mujhe sach mein laga, matlab sach mein it gave me that relief, you know, the comic relief, like literally from what I do as an actor otherwise. And I think it really empowered me and it really gave me the confidence back ki main comedy bhi kar sakti hu aur acche se kar sakti hu. So I totally thoroughly enjoyed Parminder once again and I love the idea ki mujhe sochna nahi padta, mujhe koi taiyari nahi karni padti, mujhe jaake bas wahan pe I just need to be as silly as I possibly can be and I absolutely love that. Aapki bari. So hello Parikh family, I'm Rushil from Pinkvilla, and before I ask the question, मैं बस दो चीज़ का पहले
आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बिकॉज आपने जो स्टार्टिंग में जो एक्टिंग किया दैट वॉज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू एज एन एक्टर एंड आपने बहुत अच्छे से किया एंड द सेकेंड थिंग जब जब चेयर्स अब थे तभी आई थिंक जे डी सर ने बोला था कि मतलब हम लोग भी नर्वस है इट जस्ट गिव्स अस अ हम्बल पाए कि मतलब आप लोग इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं एंड उसके बाद भी आप लोग इतने हम्बल इतने मॉडेस्ट है एंड अभी भी इतना नर्वस फील करते हैं इट जस्ट इज़ लाइक अ हम्बल पाए फॉर अस हम लोग को भी लगता है कि इतने बड़े बड़े कलाकार भी मतलब ऐसे नर्वस हो सकते हैं मतलब दैट इज़ अ वेरी बिग डील थैंक यू नर्वस मैं आपको एक बात हमारी सबकी ओर से कहना चाहूँगी बहुत बड़ी बात करी और आप सब ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा नर्वसनेस इज एन एनर्जी हम थिएटर के एक्टर्स और सारे एक्टर्स सीन के पहले इस नर्वसनेस अगर फील नहीं किया ना तो कुछ गड़बड़ है गड़बड़ देन वी आर लाइक ओवर कॉन्फिडेंट एंड दैट शुड नॉट हैपन इसलिए खिचड़ी के लिए टू के लिए हम नर्वस हैं आप वो एक एनर्जी देखे आप लोगों को और हमको साथ मिलके पार करना योर क्वेश्चन ये जो खिचड़ी है इट इज एन आई पी विच वॉज क्रिएटेड लाइक 20-21 ईयर्स अगो सो तब से लेके अब तक मतलब लोगों के सेंसिबिलिटीज में बहुत फ़र्क आया है लाइक यू नो पहले जो सपोजिंग कोई कॉमेडी चलती थी मे बी आज के टाइम में इट माइट नॉट वर्क दैट वेल तो आप लोगों को वो कन्विक्शन कैसे आता है कि मतलब जो वो टाइम पे भी चला था वो आज के टाइम पे भी इट विल लाइक क्रिएट द सेम इम्पैक्ट लेट आतिश रिप्लाई इन राइटिंग एंड देन आई विल टेल यू द अदर आंसर वेरी सिंपली इस जो प्योर होता है ना वो प्योर होता है उसको वक्त के साथ कोई लेना देना नहीं होता अगेन मैं बहुत बड़ी हम्बली ये कहूँगा कि हमने ना एक प्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पे ह्यूमर हम अपने आप पर करते हैं अगर मैं एनालॉजी दूँ तो सोना ही होता है वो एक साल हो दो साल हो 25 साल हो 50 साल हो सोना होता है तो हमने एक प्योर और सोना प्योर होता है हमने एक प्योरिटी करने की दिखाने की कोशिश की कि देखो ये ह्यूमर है जो क्लीन है जो किसी और के बलबूते पर किसी और को नीचा दिखा कर नहीं कर रहे हैं हम अपने आप पर हंस रहे हैं हम अपने आप को बेवकूफ़ बोल रहे हैं हम अपने आप को गधा बोल रहे हैं तो वो 20 साल पहले भी लोगों को लगेगा कि भाई हमको हर्ट नहीं करता आज भी ऐसा ही लगेगा कि ये अपने आप में ह्यूमर कर रहे हैं तो वो प्योरिटी जो होती है ना उसको वक्त के साथ कोई लेना देना नहीं है 2050 में भी हम लोग जब खिचड़ी बनाएंगे खिचड़ी 10 तो वो भी लोग इसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि प्योर होता है गंगा की तरह वो प्योर ही होता है 2050 में मेरा रोल बुक हो गया बाबूजी आई विश एटलीस्ट तब तक तो मेरे 2050 तक हम ऐसे ही दिखेंगे हम नहीं बदलते भाई दोनों बराबर है हिमांशु इफ यू आर प्लेइंग बाबूजी देन आई एम नॉट प्लेइंग परमिंदर चैतन्य ने आज जबरदस्त बात करी एंड इसने दो बातें जबरदस्त करी एंड विच आई एम वेरी श्योर यू ऑल ही सेड ये साल जो है ना वो जो टू है ना जितनी भी फिल्म टू है ना सीक्वल वो उसका साल है आप देखिए तो सबसे बड़ी गदर टू इतने सालों बाद आई फिर PS2 अच्छी चली फिर ड्रीम गर्ल टू अच्छी गई फिर चैतन्य ओ माई गॉड उसके लिए ओ माई गॉड टू अक्षय कुमार की इस साल की हिट पिक्चर और दृश्यम बोला ना मैंने दृश्यम टू तो कितनी सारी फिल्में टू वाली क्यों इस सब के पीछे ना एक मैजिक होता है सीक्वल होता है तो उसमें ऑलरेडी एक प्रॉमिस होता ही है किरदारों का उसको उस वक्त आपको सही तरीके से लोगों के पास लाना होता है जो हम खिचड़ी में हर बार ये सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं खिचड़ी हम एवरी ईयर सुप्रिया जी के साथ कम से कम साल में मेरे 50 कॉल होते हैं जिसमें वो एक ही सॉल्व खिचड़ी क्या रे करिए बोलने खिचड़ी कर रहे कर रहे हैं बोलूँ आतिश ने कहूँ हम ना कहूँ करता हूँ बोलता हूँ ये चलता है पर जब तक वो राइट सुर हमारा नहीं लगता हम भी नहीं कर पाते नहीं लाते हैं ये जो है ना सीक्वल का एक ग्रामर होता है वो राइट क्रैक किया और इसलिए इतने साल बाद वो सोना जो आतिश भाई ने बोला उसकी अभी आगे भी 2050 में आए शायद ना भी आए पर हम तभी लाएंगे जब हमको लगेगा कि हाँ ये मैजिक ऐसा बरकरार रख पाए हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट खिचड़ी तो सीरियस बातें तो होनी ही चाहिए हाँ तो ये जो है खिचड़ी टू ये जो सीक्वल में आपने ट्रेलर टीजर अच्छा कुछ बड़ी चीज है जो मूवी के लिए बोलना पड़ेगा आप ही है मार्केटिंग के हेड दीपेश तो
इस खिचड़ी को थिएटर का एक्सपीरियंस लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, तो दो बड़े गाने हैं इसमें। एडवेंचर कॉमेडी है तो हमने भी भाई चॉपर उड़ाया है, क्योंकि वो कॉमेडी के लिए बराबर बेटर। द स्केल, व्हाई? इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस इन सिनेमा हॉल्स टुडे। लोग आते हैं एक अच्छी पिक्चर का अनुभव कर रहे हैं, और हमारी एडवेंचर कॉमेडी में सारा कुछ बैठता था। और कास्टिंग आप देख चुके हो, हमारी बातें सुन चुके हो, पारिवारिक कॉमेडी की बात कर चुके हो, तो ये जब मिल के हुआ ना, आपके सवाल का जवाब, तब हमको लगा हाँ बद्दू बराबर छे, सब सही है, हंसो और हंसाओ, तो आपके सामने लेकर आए। ओके, थैंक यू, एंड आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अब पीछे से कुछ आप लोगों ने बोला है कोरस में, आप एक बंदा बोल दीजिए एक साथ। अरे क्या बात है, वी लव यू, थैंक यू वेरी मच, वी लव यू ऑल। एंड ट्रेलर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपका रिस्पांस था वंस मोर, वो हमने वंस मोर चला दिया। वो एक्चुअली आपको बोल भी देता हूँ, हम में से चार लोग बैठे थे वंस मोर बोलने के लिए, तो हमको लगा कोई बोले ना बोले, हम तो बोले, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने भी जो फील करके बोला, दैट रियली मेड अवर आवर डे, दैट गिव अस कॉन्फिडेंस, वी जेन्युइनली लव यू ऑल। हंसो, आप हंसे, इसको आगे पहुंचाना आपका जिम्मा है। हंसा, थैंक यू, वी वुड रियली लव इट इफ यू ऑल कैन गिफ्ट अस, गिफ्ट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड this laughter of Khichdi 2. Please, for this Diwali, let's all do it together. Let's all laugh. That's thank very important. Yes. Let's be happy, okay? Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. एक सेकेंड, क्या चाहिए? फोटो बेन एक, हाँ हाँ, एक सेकेंड।